नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर हम रूट के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रूट के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के कर्डी में जो प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि ये लिखा है रूट दो प्लस रूट दो, तो इसको जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, इसका गुणा करना सीखेंगे, साथ साथ भाग करना भी सीखेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसको जोड़ उसका जोड़ घटाना गुणा भाग हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ और साइंस इन दोनों विषयों से रिलेटेड जानकारियां जो हैं वो आपको चैनल पे मिलती रहती हैं। आपके क्लास वाइज भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, साथ साथ जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं इस चैनल पे बताता हूँ। और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कई सारी लिंक मिल जाएगी, उसको आप देखकर अपने हिसाब से जो आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैथ की प्लेलिस्ट, साइंस की प्लेलिस्ट, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब छोड़ते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जोड़ना, हम सबसे पहले जोड़ेंगे इस तरह के प्रश्नों को। तो रूट दो प्लस रूट दो, इसको जब हम जोड़ेंगे, अगर हम रूट टू को x मान लें तो क्या होगा, x प्लस एक्स ऐसे दिखाई देगा ना, तो x प्लस एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2x। तो यहां भी क्या हो जाएगा, टू रूट टू, यानी ये क्या आ जाएगा जोड़ने पे, टू रूट टू ये हो जाएगा। इसके बाद टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि रूट थ्री और रूट थ्री अंदर वाली जो कर्डी के अंदर संख्या है वो समान है। अगर समान है तभी ये इसमें जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, अभी दो रूट थ्री था, एक और जुड़ जाएगा तो तीन रूट थ्री हो जाएगा, यानी थ्री रूट थ्री हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद फोर रूट टू प्लस थ्री रूट फाइव है, तो यहां पे हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सिंप्लीफाई करना अलग बात है कि हम इसको इसका मान निकाल के गुणा करके तब जोड़ लें, लेकिन अगर रूट की बात करें तो इसको हमें एज इट इज इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से ही हमको लिखना पड़ेगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद घटाना देखते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो रूट टू माइनस रूट टू, मतलब उसी संख्या में से वही संख्या हम घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, क्या जीरो मिलेगा। इसके बाद थ्री रूट टू में से हम रूट टू घटा रहे हैं, यानी यहां तीन रूट टू है, यानी अगर रूट टू को एक्स मान लें तो थ्री एक्स माइनस एक्स, तो थ्री एक्स में से अगर एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, टू एक्स। तो जाहिर सी बात है थ्री रूट टू में से अगर हम सिर्फ रूट टू घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, यहां पे टू रूट टू, ठीक है। इसके बाद फोर रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू, तो ये भी एज इट इज ही लिखा जाएगा, इसको हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई यहां पे नहीं कर सकते, तो इसका आंसर एज इट इज यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है, हम बढ़ते हैं आगे गुणा की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, गुणा और भाग दोनों के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम गुणा वाले प्रश्न हल कर लेते हैं, उसके बाद हम भाग पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्स रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव, आप देख रहे हैं करड़ी के अंदर यानी रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है यहाँ पे, ठीक है, सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो छः और दो का गुणा कर देंगे, सिक्स इंटू टू, सिक्स इंटू टू हो गया, फिर इंटू ये वाला रूट फाइव और फिर ये वाला रूट फाइव, दो रूट फाइव हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो छः दूनी बारह हो जाएगा, गुड़े रूट फाइव है तो रूट रूट हट जाएगा और बचेगा यहाँ पे सिर्फ फाइव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिक्सटी, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इसको हल करें, फाइव रूट टू इंटू फोर रूट थ्री, इसको हल करेंगे तो सिंपल सा फाइव इंटू फोर करेंगे, फाइव इंटू फोर पांच और चार का गुणा हो गया, गुणे आएगा हमारा रूट टू ये आ गया इंटू रूट थ्री, रूट थ्री ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पांच चौक बीस ये हो गया, गुणे ये आ जाएगा हमारा रूट टू इंटू थ्री, ये और गुणे में आ जाएंगे, गुणा हो जाएगा इनका, तो ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी इंटू रूट सिक्स, यानी और सिंप्लीफाई लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा।
अब इस तरह के सवाल अगर हमको दिखते हैं तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं रूट थ्री और रूट थ्री सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे थ्री इंटू, अब यहां पे इसके आगे कोई नंबर है नहीं तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे, दो रूट थ्री है, रूट थ्री लिखेंगे इंटू रूट थ्री लिखेंगे। अब थ्री इंटू रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट हट जाता है, बचता है सिर्फ क्या, थ्री, थ्री बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नाइन। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्या, भाग डिवीजन वाले क्वेश्चन, डिवीजन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां पे दिया गया है क्या, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू, तो इसको हम इस तरह से अगर लिखें, थोड़ा इस तरह से लिखा जाता है तो हम थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उसी संख्या को उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या और ये संख्या कट जाएगी, बचेगा क्या, वन। इसके बाद इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल को अभी हम अपने पुराने जमाने वाले स्टाइल में लिख लेते हैं। ठीक है, ये है, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये करड़ी के अंदर संख्या और ये करड़ी के अंदर संख्या समान है, तो इक्वल है जब, तो यहां यहां क्या होगा, ये संख्या और ये संख्या कट जाएगी, बचेगा हमारा दो। तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इस पे आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम पहले इसको अपने आदम बाबा जमाने वाले स्टाइल में लिख लेते हैं, जो हमको ज्यादा समझ में आता है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आप देख रहे हैं कि हम 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 2 से हम रूट के अंदर की चीजों को नहीं कर सकते। ठीक है, रूट के अंदर वाले से रूट के अंदर वाला ही डिवाइड होगा और बाहर वाले से बाहर वाला डिवाइड होगा, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा 15 आ जाएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √5 और अपॉन में हम लिख सकते हैं, ये सब क्या है, ये भी तो इंटू है, 8 इंटू √3 इंटू 5, और नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू √3, तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा और √3 से √3 कट जाएगा। ठीक, बचा क्या हमारा, यहां पे 4 बचा इंटू √5 बचा, ये बचा हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4√5। तो इस तरह से हम जो रूट के सवाल होते हैं उसको हल करेंगे, हल कर सकते हैं, और आप सीख भी गए होंगे, जान भी गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।